Welcome to Hungry Spoon. Subscribe to our channel for new recipes and click the bell icon for notification and don't miss a single update. Hello everyone, welcome to Hungry Spoon channel. कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और खुश होंगे। आज की हमारी रेसिपी ब्रेड क्रोटोन्स है। ब्रेड क्रोटोन्स के साथ हम ब्रेड क्रम भी बनाएंगे। ज़्यादातर नाश्ते में ब्रेड खाना हम सभी पसंद करते हैं, वहीं कभी कभी ऐसा होता है कुछ ब्रेड बच जाता है उसे खाना नहीं पसंद करते, या कोई रेसिपी ब्रेड से बना रहे हो तो कुछ स्लाइस बच जाती है। तो आइए इन्हीं बची हुई ब्रेड से हम आपको ब्रेड क्रोटोन्स और ब्रेड क्रम बहुत ही आसान तरीके से घर पर बनाना बताएंगे, जिसे आप बनाकर 2 से 3 महीने तक सेफ रख सकते हैं और उनका इस्तेमाल आप सूप, सैलड या टिक्की या गार्निश में न जाने कई तरह की ऐसी रेसिपी जिनका इस्तेमाल आप ब्रेड क्रोटोन्स और ब्रेड क्रम में कर सकते हैं। तो आइए इसे बनाना फटाफट स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू अपडेट्स मिलती रहे। ब्रेड क्रोटोन्स बनाने के लिए हमें ब्रेड चाहिए। अक्सर हम ब्रेड इस्तेमाल करते हैं नाश्तों में और वो ब्रेड बची रह जाती है, तो उसका बची हुई ब्रेड का इस्तेमाल हम क्रोटोन्स के रूप में कर सकते हैं, जिसे हम आप सूप में या आप सैलेड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी स्वीट डिश इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से काफी हमारे घरों में ब्रेड नाश्ते में इस्तेमाल होती है और थोड़ी थोड़ी करके कई पैकेटों में बच जाती है, तो आप उसको क्रोटोन्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ बहुत ही आसान तरीके से क्रोटोन्स बनाना बताऊंगी आपको। एक तो मैं माइक्रोवेव में बना सकते हैं आप, और ओवन में बना सकते हैं, और एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। अगर ये चीजें आपके पास नहीं है तो आप गैस पे पैन में भी बना सकते हैं। मैं दोनों ही तरीके आपको बताऊंगी। मैं आज एयर फ्रायर में क्रोटोन्स बनाना बताऊंगी और पैन में भी बनाना बताऊंगी। तो इस तरह से बची हुई ब्रेड का इस्तेमाल भी हो जाता है और बच्चे बहुत ही शौक से, बच्चे बड़े कोई भी सूप इस्तेमाल करता है या सैलेड में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से हमें ये बची हुई ब्रेड का इस्तेमाल भी हो जाएगा और इन्हें आप बना करके आराम से टाइट कंटेनर में रख सकते हैं 4 से 6 महीने के लिए, आराम से आपका ये चलेगा क्रोटोन। तो सबसे पहले हमें ब्रेड ले लेना है और साइज, अगर आप सूप के लिए बना रहे हैं तो छोटे छोटे क्यूब में इसको रखें क्रोटोन को, अगर आप सैलेड में इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़े से बड़े क्यूब में रखेंगे तो चलेगा और वो सैलेड में भी अच्छा लगेगा। और सैलेड के लिए और सूप के लिए जो क्रोटोन बनाते हैं, कोशिश करिए आप माइक्रोवेव में या ओवन में या ऑयल फ्री आप पैन में बनाएं, क्योंकि सैलेड में और सूप में क्रोटोन ऑयल फ्री ही अच्छा लगता है। और कोई भी रेसिपी अगर आप बना रहे हैं तो उसको डीप फ्राई कर सकते हैं क्रोटोन्स, लेकिन हम यहाँ पे सैलेड के लिए इस्तेमाल करने के लिए और सूप के लिए बना रहे हैं। तो इस तरह से आप इनको चाकू से इस तरह से काट लें। कट गए हैं और जो रह गए हैं उन्हें हमें काट लेना है अच्छे से। मैं इसको कैंची से काटूंगी, आप चाहें चाकू से भी काट सकते हैं, और जो किचन में कैंची आप इस्तेमाल करते हैं उससे भी काट सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं जल्द ही इनसे बनने वाले कई तरह की रेसिपी में बनाना बताऊंगी आपको, स्वीट डिश और नमकीन में कई तरह की डिशे बनाना बताऊंगी। इस तरह से इसमें डाल लेंगे और हमें एयर फ्रायर का टेम्परेचर 180 डिग्री पे रखना है और 3 से 4 मिनट के लिए इसको हमें बेक करना है, और बेक करने के बीच में हमें 2 मिनट के बाद इसको देख लेना है, और 2 मिनट के बाद फिर हमें अगर नहीं हुआ होगा तो 1 मिनट के लिए और छोड़ देंगे। इस तरह से 3 से 4 मिनट में हमारा लाइट गोल्डन कलर में आ जाएगा तो हमारा ये क्रोटोन तैयार हो जाएगा। तो आइए इसे एयर फ्रायर में हम रख देते हैं और बाकी के क्रोटोन्स हम ये पैन में तैयार करेंगे। मैं इसमें कोई भी ऑयल नहीं डालूंगी क्योंकि हमें इसको सैलेड के लिए इस्तेमाल करना है और सूप के लिए, तो सूप और सैलेड में ऑयल फ्री क्रोटोन्स जो होते हैं वो
खाने में टेस्टी और हेल्दी भी होते हैं। इस चीज का हमें ध्यान रखना है और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे हमें इसको रोस्ट नहीं करना है। इस तरह से ही हमें इसको बीच बीच में हमें चलाते रहना है ताकि ऊपर नीचे की लेयर बराबर में हमारा ये इसमें क्रंच हो और इसमें क्रिस्पी बना है। प्यारी प्यारी बेटियों का बहुत बहुत ख्याल रखें और उन्हें बहुत प्यार दें। थैंक यू।
Thanks for watching. Stay tuned with Hungry Spoon.